जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का आपके चैनल डॉक्टर ओम चो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है, आभार है। यदि आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल से आप नहीं जुड़े हैं, तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, चैनल से जुड़ जाएंगे, क्योंकि भारत के युवाओं का चैनल है। एस्ट्रोलॉजी में आपको नई नई जानकारी उपलब्ध करवाने वाला चैनल है, और साथ ही साथ दोस्तों ऐसी सटीक जानकारी जो आपको कहीं नहीं मिलती है, और भारत का सबसे बड़ा एस्ट्रोलॉजी चैनल डॉक्टर ओम चो है। तो चैनल को सपोर्ट करना बनता है, कमेंट्स में जय श्री महाकाल लिखना भी बनता है। और दोस्तों, यदि कोई शिकायत हो, कोई भी बात हो, तो कमेंट्स में ज़रूर लिखें, और कमेंट्स के साथ साथ फ़ोन ज़रूर लगाएं। 9407175018 94 मेरा नंबर है, उस पर आप बात कर सकते हैं। वृश्चिक राशि, मर जाओ मगर कुछ कर जाओ। ये क्यों मैंने टॉपिक चुना, उसके पीछे का रीज़न आपको बता दूँ। हमेशा 5-10 कॉल में एक कॉल यही आता है कि पंडित जी हम मर जाएंगे, क्या करें, समझ नहीं पा रहा, जीवन से परेशान है। मैं कहता हूँ, अरे भाई, आपको परेशान होने की ज़रूरत क्या है, इतना लंबी उम्र है, सब कुछ है आपके पास, सब है, पैसा भी है, धन दौलत सर है, लेकिन उनकी परेशानियाँ जब सुन ले तो खुद परेशान हो जाए कि ये भी परेशानियाँ हो सकती है। तो पहली और मुख्य बात है, यहाँ मरने का मतलब आप मरना मत समझिएगा, मरने का मतलब है कि अगर आप मौत चाहते हैं तो क्यों ना इस जीवन में कुछ अच्छा कर जाए। अगर आप मरना ही चाहते तो क्यों ना कुछ ऐसा काम किया जाए कि मरने के बाद भी लोग हमें याद रखें। जब हम मरें, हमारी शव यात्रा में, हमारे जनाजे में इतने लोग हो कि लोग देखकर दंग रह जाएं, इस तरह क्यों नहीं सोचते हम, क्यों मरने के बारे में सोचते हैं। आपके पास किस चीज़ की कमी है, आपके पास बुद्धिजीवी है, एक शक्ति है, आधार है, ईश्वर की कृपा है, सब है, बस कोशिश करना हमारा काम है। तो कोशिश करें, बहुत अच्छे से कोशिश करें। मैं तो ये भी नहीं जानता था दोस्तों कि मेरे साथ क्या होगा क्या नहीं होगा, और मैंने भविष्य की अभी भी और कल जो बीत गया उसमें भी चिंता नहीं करी थी। तो कल की चिंता मत करें, अपने जीवन का एक लक्ष्य और टारगेट निर्धारित करें कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य और टारगेट है, मैं इसके प्रति पूरा डेडिकेट होकर पूरी मेहनत करूंगा, पूरी ईमानदारी और पूरी लगन के साथ इसे पाने की कोशिश करूंगा। कर्म करो, फल की चिंता मत करो, यही ईश्वर की वाणी है, यही ईश्वर का आपको संदेश है। उसी संदेश में एक बात, आप कर्म करो, जो कर्म करना है उसमें मरना है। मरने से मतलब है कि उस कर्म के प्रति आपका पूरा समर्पण, आप जो भी काम कर रहे हैं वो कितनी ईमानदारी के साथ कर रहे हैं, क्या आप उसे टाल तो नहीं रहे, क्या आप उसमें आलस्य तो नहीं कर रहे, क्या आप उसमें कम मेहनत में अधिक लाभ चाहने की आपकी कहीं ना कहीं ये महत्वाकांक्षा तो नहीं है। तो लक्ष्य के प्रति पूरी ईमानदारी, पूरी शिद्दत के साथ खुद करे, स्वयं करे, जो भी करना हो पूरे टेक्निकल तरीके से करे, पूरी ईमानदारी से करे, तो आप दोस्तों बहुत जल्द एक बहुत बड़ी शख्सियत बन जाएंगे। तो राशि, वृश्चिक राशि के जातकों को मैं यही कहना चाहता हूँ कि मर जाओ मगर कुछ कर जाओ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स में जय श्री महाकाल लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री महाकाल।